गुड आफ्टरनून मैम, कैसे हो? सॉरी मैं 5 मिनट लेट हो गई। नो प्रॉब्लम मैम। और कैसे चल रही फंजाई? गुड आफ्टरनून। मैंने कहा फंजाई कैसी चल रही है? अच्छी है मैम। अच्छी चल रही है, समझ आ रहा है सारा कुछ? और एनसीईआरटी पढ़ रहे हो ना साथ साथ? यस मैम। अब देख लो 26 जुलाई को नीट के पेपर की डेट आ गई है और 26 जुलाई को तुमने भी जो फंजाई वायरस से क्वेश्चन आएंगे वो साथ में अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है? बिना किसी हेल्प के। तब तक मुझे लगता है हमारी मॉर्फोलॉजी और एनेटमी भी हो जाएगी। प्लस वन के ऊपर ना शुरू से ही पकड़ रखते हैं, क्योंकि फिर जब प्लस टू होती है तो प्लस टू के बाद प्लस वन दोबारा रिवाइज करने का कम ही टाइम मिलता है, इसलिए प्लस वन का जो बेस है अपना वो बहुत स्ट्रांग रखो। और प्लस वन जो है वो मैक्सिमम वेटेज होल्ड करती है, चाहे वो बॉटनी हो चाहे वो जूलॉजी हो। चलो एनीवेज, लास्ट क्लास में हमने जो था एक हमने की थी, दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। सारे हो गए ना कनेक्ट? फंजाई की क्लासिफिकेशन का मेन बेसिस रखा था, जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसको अलग कर दिया, जिसमें नहीं है उसको अलग कर दिया, जिसमें नहीं है उसको नाम दिया इम्परफेक्टाई का। इम्परफेक्टाई क्यों कहते हैं? क्योंकि साइंटिस्ट का मानना है कि जिस ऑर्गेनिज्म की लाइफ के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती वो ऑर्गेनिज्म परफेक्ट नहीं होता, इसीलिए उसको नाम दिया हमने फंजाई इम्परफेक्टाई का, ठीक है? और जिनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो नोन है, ठीक है, फिर उसको हमने क्लासिफाई किया अकॉर्डिंग टू द देयर माइसीलियम, वेदर द माइसीलियम इज एसेप्टेट और सेप्टेट। जिनका माइसीलियम एसेप्टेट है उसको अलग कर दिया, नाम दिया लोअर फंजाई का, या फिर नाम दिया फाइकोमाइकोटा का। और जिनका माइसीलियम जो है सेप्टेट है उसको हमने हायर फंजाई का नाम दिया, या फिर नाम दिया यू माइकोटा का। एनसीईआरटी से पढ़ोगे फाइकोमाइकोटा तो वो उसको फर्दर ऊ माइसिटीज और जाइगोमाइसिटीज के अंदर क्लासिफाई नहीं करती, ठीक है? तो वो दोनों को इकट्ठा ही बताती है कि फाइकोमाइकोटा एक ग्रुप है, ठीक है? लेकिन हमने इसको क्लासिफाई कर लिया है तो ऊ माइसिटीज के मेंबर्स हमने किए थे, ठीक है? कौन कौन से किए थे मयंक? पहला मेंबर बताओ मुझे मयंक। रिपीट करना है क्वेश्चन। मैंने पूछा है हमने कुछ मेंबर्स किए थे वो माइसिटीज के, कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की थी उसमें पहला मेंबर किया था, कौन सा मेंबर याद किया है आपने? अमिशी सैप्रोफिटिक। नहीं नहीं बच्चे, मैं मेंबर्स के नाम पूछ रही हूँ। जैसे तुम्हारे घर में 5 मेंबर है सपोज करो, तो पांचों के नाम है ना, और पांचों की अपनी अपनी वेटेज है ना? कोई कोई काम करता है घर का जिसके बिना तुम्हारा जो है पूरा नहीं पड़ता, कोई कोई काम करता है, ऐसे ही इसमें भी फंजाई में भी हमने कुछ नाम किए थे, नेम्स। अमिशी दिखनी बंद हो गई। खुशी यस मैम। खुशी ऊ माइसिटीज के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन से स्पोर से होती है? पैरासाइट्स वगैरह नहीं पढ़ा नहीं हुआ है ना, पढ़ के नहीं आया। अंशिका, हर्ष सैनी, आपने लास्ट लेक्चर के वो सेंड नहीं किया था ना बेटा? अब मैं सेंड नहीं करूंगी, अब ना वो तुम्हें यूट्यूब ये जो है ना इसका पेज उसके ऊपर ही जाके देखना पड़ेगा, उसी के ऊपर डाला है। अब मैं इंडिविजुअल सेंड नहीं करूंगी तुम्हें,
मैम ने मना किया है, जो इस ट्यूटोरियल्स के वो है ना, उन्होंने मना किया है कि इंडिविजुअल नहीं सेंड करना, तो आपने पेज के ऊपर ही जाके देखना है। एनसीईआरटी तो है ना, एनसीईआरटी तो ऑनलाइन भी दिख रही है, उसमें से पढ़ो बैठ के, पढ़ो। पर ऐसे थोड़ी, ऐसे तो तुम पाइल अप करते जाओगे सारी एग्जाम्पल सब कुछ। तो लेट्स रिकैपिटुलेट, ऊ माई सिटीज जो है उसके अंदर पहली चीज अगर मैं पूछ रही हूँ कि कैसी है, तो तुमने बताना है सेप्रोट्रॉफिक भी है, पैरासिटिक भी है, और इसमें जो है टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक फॉर्म्स भी मिलेगी। एक्वेटिक फॉर्म्स में ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थी बाय ज़ूस्पोर्स, और जो टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स हैं उनके अंदर थी बाय एप्लैनोस्पोर्स दैट आर सिमिलर टू सुपरेंजियोस्पोर्स। फिर हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की थी, वो माइसिटीज के अंदर था गैमेटेंजियल कॉन्टेक्ट, ठीक है। फिर हम बात करते थे इसके कुछ इंपॉर्टेंट मेंबर्स की, तो हमने इंपॉर्टेंट मेंबर्स जिनका नाम लिया था, तो पहला था जो कॉज करता था लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, और उसका नाम है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। याद आया? दूसरा हमने किया था वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स, एल्ब्यूगो कैंडिडा। तीसरा हमने किया था डैम्पिंग ऑफ सीडलिंग्स, दैट इज पाइथियम डिबेरिनम। चौथा हमने किया था, दैट इज द क्या था वो, पाउडर डाउनी माइल्डी ऑफ सीरियल्स, दैट वाज कॉज्ड बाय स्क्लेरोस्पोरा ग्रैमिनिकोला। ये नाम याद किए थे, इन मेंबर्स की बात कर रही थी मैं। उसके बाद हमने किया था जाइगोमाइसिटिस, सारे मेंबर्स टेरेस्ट्रियल, ठीक है, एक्वेटिक फॉर्म नहीं होगी, तो इनमें ज़ूस्पोर्स नहीं बनेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगी दैट विल बी विद द हेल्प ऑफ सुपरेंजियोस्पोर्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगी दैट विल बी विद द हेल्प ऑफ गैमेटेंजियल कॉपुलेशन, जिसमें एक रेस्टिंग डिप्लॉयड स्पोर बनता था जिसका नाम था जाइगोस्पोर। इसीलिए इस क्लास का नाम रख दिया जाइगोमाइसिटिस। जाइगोस्पोर जो है वो एक रेस्टिंग डिप्लॉयड स्पोर है, जो कि थोड़ी देर रेस्ट करेगा, देन इट विल अंडरगो मीओसिस एंड रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ जर्म स्पोर्स, और वो जर्म स्पोर्स जो है वो जर्मिनेट करेंगे और क्या बना के देंगे तुम्हें, जर्म माइसीलियम। क्या बना के देंगे? जर्म माइसीलियम, ठीक है। तो ये दोनों क्लासेस हमने की थी, इसके दो मेंबर्स किए थे, एक म्यूकर एक राइजोपस। राइजोपस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इज नोन एज ब्रेड मोल्ड, जो हमारे ब्रेड के ऊपर फंजाई लग जाती है, दैट इज राइजोपस स्टोलनीफर। देन जो डंग वगैरह के ऊपर ग्रो करती है, दैट इज म्यूकर की स्पीसीज है। देन हमारी जो ये है स्ट्रॉबेरी एप्पल, इनकी सॉफ्ट रॉटनिंग हो जाती है, दैट इज ऑल्सो ड्यू टू जाइगोमाइसिटिस। डन। तो ये हमने लास्ट क्लास में किया था। बच्चे साथ साथ याद रखो, ऐसे कोई फायदा नहीं है। मैंने तो मतलब रादर आज क्या कहते हैं, थोड़े क्वेश्चन भी किए थे, बट आज मैं फिर क्वेश्चन नहीं कराऊंगी, क्योंकि तुमने जो है पढ़ा ही नहीं हुआ। अगली क्लास में पढ़ के आना, मैं क्वेश्चन आंसर राउंड कराऊंगी तुम्हें, ठीक है, क्योंकि आज ऑलमोस्ट हम पूरा कर देंगे फंजाई वाला चैप्टर। तो आज देखो हम करने जा रहे हैं एस्कोमाइसिटिस, थर्ड क्लास, जो हमारी यूमाइसिटिस को बिलोंग करती है। तो इसको हम सैक फंजाई का नाम देते हैं। सैक फंजाई इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर क्या बनती है, सैक। हाँ उस मंडे वाले लेक्चर की तो मैम तब भी नहीं है मैम वीडियो वहां पे मैम यूट्यूब पे, मंडे वाले लेक्चर की तुम्हें वीडियो नहीं मिलेगी, क्योंकि मंडे वाला लेक्चर जो है ना, पता नहीं वो रिकॉर्ड नहीं हुआ, क्या दिक्कत आ गई थी, मे बी उस दिन कैमरे की प्रॉब्लम थी, उसके बाद मैंने रिकॉर्डिंग करना भूल गई, क्या हो गया, रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी उसकी तुम्हें। हाँ, उसके तुम्हें पीपीटी जो है वो तुम्हें मिल जाएगी, अगर नहीं मिल रही तो मैं आज अभी लेक्चर के बाद अपलोड कर दूंगी, वहीं से रिवाइज कर लेंगे ना मैम। हाँ, वहीं से रिवाइज कर लेंगे। अगर इन केस तुम्हें फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आई एम हियर टू एक्सप्लेन यू, ठीक है, नो वरीज। कोई भी चीज तुम्हें लगती है कि ये मुझे समझ नहीं आई, किसी भी बच्चे को यू कैन आस्क मी एनी टाइम। अगर तुम मुझसे फोन करके पूछना चाहते हो तो मुझे वॉइस मैसेज कर देना, मैं तुम्हें वॉइस मैसेज में ही समझा दूंगी, कोई दिक्कत नहीं। कई बच्चे शाई फील करते हैं ना कि क्लास में नहीं पूछेंगे, वैसे शाई फील नहीं करना चाहिए, क्लास में ओपनली पूछना चाहिए, थोड़ी इंटरेक्टिव होती है क्लास। जब हम एक्चुअल क्लासरूम में जाएंगे तब तो मैं एक एक को पकड़ पकड़ के सुनती रहती हूँ कि तुम सुनाओ तुम सुनाओ, तभी याद होते हैं ये सारे ना। तो हम एस्कोमाइसिटिस की बात कर रहे हैं। एस्कोमाइसिटिस को हम सैक फंजाई का नाम देते हैं। क्यों सैक फंजाई का नाम देते हैं? क्योंकि इसके अंदर सैक लाइक फ्रूटिंग बॉडीज बनती है।
तो जो हमने सैक लाइक फ्रूटिंग बॉडीज की बात की थी वो इस क्लास में बनेंगी, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज सैक फंजाई और एस्कोमाइसिटिस। तो ये वाली जो फंजाई है इट इज मोस्टली मल्टी सेलुलर, सारे इसके अंदर मल्टी सेलुलर होंगे, कोई ही इसके अंदर यूनिसेलुलर होएगा और एक ही यूनिसेलुलर है दैट इज यीस्ट, जिसको हम ब्रूइंग इंडस्ट्री बेकिंग इंडस्ट्री उसमें यूज करते हैं, वो यूनिसेलुलर है, बाकी सारे इसमें मल्टी सेलुलर है। दे आर सेप्रोफिटिक, डेड डिकेइंग मैटर के ऊपर ग्रो करते हैं। डीकम्पोजर डेड डिकेइंग मैटर को, जो उसके कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस है उनको सिंपलर में तोड़ते हैं। पैरासिटिक एज अ पैरासाइट एक्ट करते हैं। कॉप्रोफिलस दैट इज दे आर ग्रोइंग ऑन डंग, डंग के ऊपर ग्रो करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसकी अगर बात करें तो इनका जो माइसीलियम है वो ब्रांच्ड होएगा और सेप्टेट होएगा, मतलब उसके बीच में सेप्टा होएगा क्योंकि हायर फंजाई है। यीस्ट इसकी एक्सेप्शन है विद टेम्परेरी फिलामेंटस स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड सिडोमाइसीलियम। बेसिकली सिडोमाइसीलियम देखो कैसा होता है, यीस्ट जो है वो बिल्कुल यूनिसेलुलर है, ऐसी होती है। दिस इज यीस्ट, तो ये अपने सेल्स को जोड़ जोड़ के एक नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर बना लेती है ऐसा, इसको हम नाम देते हैं सिडोमाइसीलियम का। सिडो क्यों? क्योंकि ये ट्रू माइसीलियम नहीं होता, ठीक है, ट्रू माइसीलियम नहीं होता, इसीलिए हम इसको सिडोमाइसीलियम का नाम देते हैं। सेप्टा पोजेसेस सेंट्रल पोर्स कॉल्ड सेप्टल पोर्स, जो सेप्टा है इसके अंदर सेंट्रल पोर्स, जिनकी मैंने बात की थी कि सेप्टा कभी भी कंप्लीट नहीं होता, बीच में थोड़ी सी जगह खाली होती है, जिसको हम सेप्टल पोर का नाम देते हैं, ठीक है। तो इसमें सिंपल पोर्स मिलेंगी तुम्हें जिनको हम सेप्टल पोर्स का नाम देते हैं। सेल वॉल के अंदर काइटिन होएगा या फिर फंगल सेलुलोज होएगी। मोबाइल स्ट्रक्चर्स आर एबसेंट इन द लाइफ साइकिल। मोबाइल स्ट्रक्चर्स का मतलब क्या है कि इसकी लाइफ साइकिल में ना तो कोई मोटाइल गैमीट बनेगी और ना ही इसके लाइफ साइकिल में कोई मोटाइल स्पोर बनेगा, मतलब जूस्पोर्स भी नहीं बनेंगे और ना ही कोई मोटाइल गैमीट बनेगी, कोई भी मोटाइल स्ट्रक्चर नहीं होएगा लाइफ साइकिल में। इसकी एग्जाम्पल्स हम करते हैं एस्परजिलस, क्लेविसेप्स एंड न्यूरोस्पोरा, ठीक है। अब इनकी अगर बात करें तो न्यूरोस्पोरा जो है इसको हम बायोकेमिकल जेनेटिक वर्क में यूज करते हैं, ठीक है, इसको हम नाम देते हैं दैट इज द ड्रोसोफिला ऑफ द प्लांट किंगडम। जब तुम प्लस टू में जेनेटिक्स करोगे तो तुम क्या देखोगे कि एक हमारे पास जो है फंजाई है जिसका नाम है, एक हमारे पास इंसेक्ट है जिसका नाम है ड्रोसोफिला, उसके आई कलर के ऊपर मैक्सिमम एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं जेनेटिक्स के, कि कौन सी जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स आई कलर। तो अगर हम फंगस की बात करें तो फंगस में से मैक्सिमम जेनेटिक्स के एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं न्यूरोस्पोरा क्रासा के ऊपर। ये पिंक कलर का मोल्ड है, इसको हम न्यूरोस्पोरा क्रासा का नाम देते हैं, ठीक है। इसीलिए कई कई बार हम इसको ये ड्रोसोफिला ऑफ द प्लांट किंगडम भी बोल देते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ड्रोसोफिला ऑफ द प्लांट किंगडम, कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है, क्योंकि मैक्सिमम जो बायोकेमिकल जेनेटिक्स के वर्क है वो इसके ऊपर हुए हैं, इस फंगस के ऊपर, ठीक है। दैट अगली चीज क्या है, इस क्लास में तुम्हें पिगमेंटेड मोल्ड्स मिलेंगे, बहुत ही कलर्ड ब्यूटीफुल फंजाई मिलेगी तुम्हें इस क्लास के अंदर। और इस क्लास के अंदर कुछ मेंबर्स ऐसे मिलेंगे जो हमें अंडरग्राउंड मिलते हैं, ग्राउंड के नीचे मिलते हैं, उनको स्निफर डॉग्स की हेल्प से निकाला जाता है, ठीक है, एंड दे आर एडिबल, उनको खाया जाता है, एंड दे आर कंसिडर्ड एज डेलिकेसीज, बहुत मतलब उसको जो है रिचनेस से खाया जाता है। और उन मेंबर्स को हम नाम देते हैं मॉरल्स एंड ट्रफल्स, दे आर कॉल्ड मॉरल्स एंड ट्रफल्स। तो एक बार सारे करेक्टर्स तुम पढ़ो, अपने गो थ्रू कर लो, अगर किसी को किसी में दिक्कत है तो यू कैन आस्क मी, फिर हम आगे चलते हैं। सोडोमाइसीलियम दोबारा समझा दो। सिडोमाइसीलियम बोर्ड दिख रहा है बच्चे आपको क्लियरली? यस मैम। देखो इसमें क्या है, जो हमारा यीस्ट है वो यूनिसेलुलर है, मतलब एक सेल है वो, ठीक है, ये यीस्ट है, एक यीस्ट है। अब यीस्ट क्या करेगी, अपनी ऐसे कई मेंबर्स को मिला मिला के ऐसा चेन जैसा स्ट्रक्चर बना लेगी। तो ये जो चेन जैसा स्ट्रक्चर मिला बना, दिस इज कॉल्ड सिडोमाइसीलियम, क्योंकि ये एक्चुअल माइसीलियम की कंडीशंस को कंप्लीट नहीं करता, इसीलिए इसको सिडोमाइसीलियम का नाम देते हैं। समझ आया?
यस मैम। एनीबॉडी एल्स, कोई क्वेश्चन हो तुम्हारा यहाँ तक? तो इस क्लास के इम्पोर्टेंट मेंबर्स हम कर रहे हैं एस्परजिलस, क्लेविसेप्स एंड न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा के बारे में हमने एक बात की कि इसको हम नाम देते हैं ड्रोसोफिला ऑफ द प्लांट किंगडम, क्योंकि ड्रोसोफिला एक इंसेक्ट है छोटा सा। इस इंसेक्ट को हम क्या करते हैं, इस इंसेक्ट को हम यूज करते थे फॉर द जेनेटिक्स स्टडी, स्टडी ऑफ द जेनेटिक्स के लिए यूज करते थे, क्योंकि इसके आई कलर के ऊपर काफी स्टडी हुई है। ऐसे ही हमारे पास एक फंगस है, फंगस का नाम है न्यूरोस्पोरा क्रासा, और उस फंगस के ऊपर एक्सटेंसिव जेनेटिक वर्क हुआ है, इसीलिए उस फंगस को हम नाम देते हैं दैट इज नोन एज द ड्रोसोफिला ऑफ द प्लांट किंगडम। ओके, देन इस क्लास के अंदर कई मेंबर्स ऐसे हैं जिनको खाया जाता है और अंडरग्राउंड मिलते हैं, दे आर कंसिडर्ड एज डेलिकेसीज, और उन मेंबर्स को हम नाम देते हैं किसका, मॉरल्स एंड ट्रफल्स का, दे आर कॉल्ड मॉरल्स एंड ट्रफल्स। फाइन, ठीक है। देखो कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद हम आगे चलते हैं। देन हमारे पास आती है एस्कोमाइसिटीज की रिप्रोडक्शन की बात करें। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है दैट अकर्स थ्रू बडिंग एंड फिजन इन यीस्ट, बडिंग और फिजन के थ्रू होती है। एक मिनट मैं तुम्हें वो दिखाती हूँ, एक मिनट तुम्हें ड्रोसोफिला दिखाती हूँ। ये देखो, दिस इंसेक्ट इज ड्रोसोफिला, ये वाला, और इसकी आई कलर देखो, रेड आई कलर है इसका। इसी चीज के ऊपर मैक्सिमम एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, इसीलिए हमने इस फंगस को इसके साथ रिलेट किया हुआ है, ठीक है। देन हमारे पास आ गई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होएगी, दैट विल बी थ्रू बडिंग एंड यीस्ट, बडिंग एंड फिशन। बडिंग एंड फिशन का मतलब तुम्हें पता है, बडिंग का मतलब क्या था कि इसके ऊपर एक छोटी सी आउटग्रोथ बनेगी, वो आउटग्रोथ मैच्योर हो जाएगी, एंड अल्टीमेटली जब मैच्योर हो जाएगी इट विल फॉल ऑन द ग्राउंड, एंड अगर कंडीशन फेवरेबल हुई तो विल गिव राइज टू द न्यू इंडिविजुअल। देन फिजन का मतलब क्या है, फिजन का मतलब है जो एक इंडिविजुअल होएगा वो दो में डिवाइड करेगा, और दोनों जो हैं दे विल गिव राइज टू द न्यू, जो है हमारी क्या कहते हैं, फंगस को राइज देंगे। इन मेजोरिटी ऑफ एस्कोमाइसिटीज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनिडिया होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिस स्पोर से होती है दैट इज थ्रू कोनिडिया। कोनिडिया क्वाइन लाइक आउटग्रोथ थी जो बाहर की तरफ बनती थी। ये हमारे पास माइसीलियम हो गया, इसमें ये क्वाइन लाइक आउटग्रोथ्स बनेगी, टूट टूट के नीचे गिरेंगी, अगर वहां कंडीशंस फेवरेबल हुई तो दे विल गिव राइज टू द क्या कहते हैं, न्यू फंगस। और ये वाला जो हाइफी है जिसके ऊपर कोनिडिया बनता है, इसको हम नाम देते हैं कोनिडियोफोर का। This hyphae is called as conidiophore. और कनिडिया जो होते हैं they are often colored. इन्हीं की वजह से फंजाई को कलर मिलता है। Green growth on bread, green growth जो bread के ऊपर होती है, citrus fruits, fruits के ऊपर जो हमारे white सी cottony सी growth होती है, then old leather के ऊपर भी greenish सी fungus लग जाती है। कनिडिया जो है on germination they produce mycelium, mycelium बनाएंगे। देन हम बात करते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसके अंदर होएगी सोमेटोगेमी, मतलब इसके अंदर क्या होएगी, सेक्स सेल्स इन्वॉल्व नहीं होंगे, दो बॉडी सेल्स आपस में फ्यूज होंगे। बाय द फ्यूजन ऑफ द सेक्स सेल्स सोमेटिक सेल्स गैमिटेंजियल कॉन्टेक्ट और ऑटोगेमी, और वही स्टेप्स होंगे दैट इज द प्लाज्मोगेमी एंड कैरियोगेमी, लेकिन प्लाज्मोगेमी के बाद कैरियोगेमी हो जाती है डिले। जरा इधर नजर मारो ध्यान से, पहले थी प्लाज्मोगेमी दैट इज द फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, लेकिन उसके बाद होनी थी कैरियोगेमी, हो गई डिले,
ठीक है, तो बीच बिचकार जो स्टेज बनी दैट इज कॉल्ड डाइकैरियोटिक स्टेज, उस स्टेज को हम नाम देते हैं डाइकैरियोटिक स्टेज, जिसमें दो न्यूक्लियाई प्रेजेंट होंगे इन सिंगल प्रोटोप्लाज्म। लेकिन क्या हो गया कि इसमें जब डाइकैरियोटिक स्टेज बनी तो कुछ डाइकैरियोटिक सेल्स जो हैं दे गिव राइज टू सैक लाइक फ्रूटिंग बॉडीज। क्या बना देंगे वो? सैक लाइक फ्रूटिंग बॉडीज बना देंगे। कैसी होएंगी सैक लाइक? ऐसी होंगी, दीज आर द सैक लाइक फ्रूटिंग बॉडी। अब अगले जो दो स्टेप्स हैं कैरियोगेमी एंड मियोसिस, वो इन सैक लाइक फ्रूटिंग बॉडीज के अंदर होगी। जब कैरियोगेमी हुई तो कंडीशन हो गई टू एन, जब मियोसिस हुई तो एक से बन गए चार। कैरियोगेमी से कंडीशन हो गई 2n, ठीक है, और मियोसिस हुई तो एक से बन गए चार। लेकिन किसी किसी मेंबर के अंदर एक मियोसिस के बाद एक माइटोसिस भी हो जाती है, जिसकी वजह से कंडीशन कैसी हो जाती है? या तो नंबर ऑफ स्पोर्स होंगे चार या फिर नंबर ऑफ स्पोर्स होंगे आठ। तो ये क्वेश्चन बहुत कॉमनली पूछा जाता है कि नंबर ऑफ स्पोर्स कितने होंगे, जहां चार होंगे जहां आठ होंगे, कभी भी पांच छह सात ऐसा नंबर नहीं आएगा। क्योंकि अगर एक मियोसिस के बाद माइटोसिस होती है तो चार से आठ, लेकिन अगर मियोसिस ही होती है तो नंबर होएगा चार। देखो पढ़ो जरा एक बार। कैरियोगेमी इज डिलेड बाय प्लाज्मोगेमी लीडिंग टू डाइकैरियोटिक फेज, जिसको हम n प्लस n लिखते हैं। डाइकैरियोटिक सेल्स फंक्शन एज एस्कस मदर सेल्स, एस्कस मदर सेल की बेहतरह बिहेव करेंगे, विच एक्ट एज अ सीट फॉर कैरियोगेमी एंड मियोसिस। नाउ ये एस्कस मदर सेल जो है सैक लाइक प्रूटिंग जो बना रहा है, ठीक है, इट इज सीट फॉर कैरियोगेमी एंड मियोसिस। जब कैरियोगेमी और मियोसिस हो गई तो सेक्सुअल स्पोर्स बने, अंदर बने तो एंडोजीनसली फॉर्म्ड स्पोर्स, ठीक है, चार बनेंगे और चारों की कंडीशन होएगी एन। किसी किसी के अंदर ये क्या है, दे आर फॉलोड बाय माइटोसिस, तो नंबर कैन बी एट। तो विच आर हैप्लॉइड 4 to 8 इन नंबर, प्रोड्यूस्ड एंडोजीनसली इन अ सैक लाइक एस्की। These esci are arranged in different type of fruiting bodies called ascocarps. तो ये fruiting bodies में arranged होते हैं जिनको हम नाम देते हैं ascocarps का, ठीक है? ये देखो, ये ascomycetes हैं और ये इनके कुछ ascocarp देखो दिखाए हुए हैं। Pizza के ऊपर देखो, एस्कोस्पोर्स बीच में है, एस्कस दिखाया हुआ है और पूरे उसको एस्कोकार्प का नाम देते हैं, ठीक है, ध्यान से। तो हमने क्या क्या किया करेक्टर्स में, एक बार मैं रिकैप्चुलेट कराती हूँ। कहाँ कहाँ मिलेगी? पहली चीज तो ये वाली जो है मल्टी सेलुलर है, मोस्टली एक ही यूनिसेलुलर है, दैट इज यीस्ट। दूसरी चीज, दे आर सेप्रोफिटिक डीकम्पोजर्स, पैरासिटिक और कॉप्रोफिलस, मतलब डेड डिकेइंग मैटर के ऊपर ग्रो करेंगे, उसको डीकम्पोज कर देंगे। दूसरी चीज, पैरासिटिक बॉडीज के ऊपर और अंदर रह के न्यूट्रिशन विड्रॉ करेंगे, या फिर ये डंग के ऊपर ग्रो करेंगे, ठीक है। देन हमने कहा माइसीलियम ब्रांच्ड और सेप्टेट होएगा। यीस्ट एक एक्सेप्शन है जिसके पास क्या होएगा, सीडो माइसीलियम होएगा, ट्रू माइसीलियम नहीं होएगा। देन उसके बाद सेल वॉल में काइटिन और फंगल सेलुलोज होएगा, सेप्टा सिंपल पोर्स प्रेजेंट होएंगी, कोई भी मोटाइल गेमीट नहीं बनेगी, कोई भी मोटाइल इसके अंदर स्पोर नहीं बनेगा। तो इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास, कौन कौन सी हैं, एस्परजिलस, क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा को हम बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क में यूज करते हैं। कई मेंबर्स हैं जिनको मॉरल्स और ट्रफल्स का नाम देते हैं, वो एडिबल है, अंडरग्राउंड मिलते हैं एंड दे आर कंसिडर्ड एज डेलिकेसीज। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बडिंग के थ्रू होती है या फिर फिशन के थ्रू, और या फिर इसके अंदर स्पोर्स बनेंगे स्पेशल हाइफी के ऊपर, जिनको कहते हैं कोनिडियोफोर, और वो स्पोर्स जो बनेंगे दे विल बी कलर्ड और चेन लाइक आउटग्रोथ्स में मिलेंगे बनेंगे और बाहर की तरफ बनेंगे, ठीक है। तो ये कलर्ड होते हैं इसीलिए जो फंगस हमारे फ्रूट्स के ऊपर, हमारे ब्रेड के ऊपर या हमारे लेदर की चीजों के ऊपर लग जाती है वो कलर्ड होती है, और ये कोनिडिया जर्मिनेट करके माइसीलियम बनाएंगे। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो मेनली इसके अंदर होती है सोमेटोगेमी, ठीक है।
तो उसमें पहला स्टेप प्लाज्मोगैमी, उसके बाद होनी थी कैरियोगैमी एंड देन होनी थी मियोसिस, ठीक है। कैरियोगैमी लेकिन है डिलेड, तो बीच बीच का स्टेज बनेगी डाइकैरियोटिक। कुछ डाइकैरियोटिक सेल्स विल बिहेव एज एस्कस मदर सेल एंड गिव राइज टू सैक लाइक फ्रूटिंग बॉडीज। दिस इज द सीट ऑफ कैरियोगैमी एंड मियोसिस। जब कैरियोगैमी हुई कंडीशन 2n हो गई, मियोसिस हुई तो 1 से 4 बन गए। कईयों के अंदर 1 मियोसिस इज फॉलोड बाय 1 माइटोसिस, तो नंबर विल बी 8। तो 4 to 8 spore बनेंगे, अंदर बनेंगे तो नाम दिया एंडोजीनसली फॉर्म, सैक लाइक फ्रूटिंग बॉडी के अंदर मिलेंगे। एक को नाम देते हैं एस्कस, अगर ऐसे बहुत सारे लगे हुए होंगे तो एस्की, और सारे एस्की इकट्ठा होके क्या बनाएंगे, एक फ्रूटिंग बॉडी जो हमें दिखाई देती है फंगस की, दैट इज कॉल्ड एस्कोकार्प। उसको हम एस्कोकार्प का नाम देते हैं। डन। अब हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो आती है यीस्ट आती है। यीस्ट हमारे पास कौन सी है, यीस्ट जो है वो क्या करती है, एक तो हमारे पास बडिंग यीस्ट है, हम सैक्रोमाइसिस ही याद करेंगे, सैक्रोमाइसिस ही हमने याद करनी है। ये फिजन यीस्ट शाइजोसैक्रोमाइसिस, इसको रहने दो, ठीक है, सैक्रोमाइसिस ही याद करेंगे। सैक्रोमाइसिस जो है हमारे पास क्या करती है, दैट इज ये हम ब्रूइंग इंडस्ट्री या फिर इसको उसमें यूज करते हैं बेकिंग इंडस्ट्री। जितनी हमारे पास अल्कोहलिक बेवरेजेस बनती हैं, वो सारी की सारी हमारी सैक्रोमाइसिस सेरेविसई में बनती है, क्योंकि ये क्या कर देता है, फर्मेंटेशन ऑफ द फूड प्रोडक्ट्स करता है। देखो जैसे हमने वो करना होता है, क्या कहते हैं, भटूरे बनाने हैं, है ना, भटूरे बनाने होते हैं या कुछ और डाल बनाना होता है, तो क्या करते हैं हम, इसको उससे गूंद देते हैं आटे को यीस्ट डाल के। या जो ये हमारी ब्रेड वाली इंडस्ट्रीज हैं, वो ब्रेड बनाती हैं, तो डो को गूंदती हैं जब, तो उसमें यीस्ट ऐड कर देती है, तो धीरे धीरे यीस्ट क्या करेगी, फर्मेंटेशन करेगी। फर्मेंटेशन का मतलब है ग्लूकोज के ऊपर एक्ट करके वो क्या बना के देती है हमें, दैट इज द ये अल्कोहल प्लस CO2। CO2 जब एस्केप होती है, ठीक है, जब हम बेक करते हैं तो CO2 जो है वो एस्केप होती है, जिसकी वजह से उसमें पोर्स बन जाती है ब्रेड में थोड़ी थोड़ी, जिसकी वजह से ब्रेड सॉफ्ट हो जाती है और पोरस हो जाती है। ऐसे ही जो एथेनॉल बनती है, ठीक है, अल्कोहल बनेगा, उसको हम बेवरेज इंडस्ट्री में यूज कर सकते हैं, उसको अल्कोहलिक ड्रिंक्स वगैरह कन्वर्ट करने के लिए भी यीस्ट को यूज कर। तो देखो ब्रूइंग इंडस्ट्री के अंदर शुगर ब्रू टू अल्कोहलिक बेवरेजेस, सैक्रोमाइसिस सेरेविसई, ठीक है, एंड सैक्रोमाइसिस एलिप्सोइडन्स वाइन बनाने के लिए यूज होती है। बेकिंग इंडस्ट्री में भी सैक्रोमाइसिस सेरेविसई ही यूज होती है, जो फ्लोर को चेंज करती है, जो हमारा आटा होता है उसको CO2 एंड अल्कोहल में। वाइटामिनाइज्ड फूड क्योरिंग कोकोआ बीन्स, जो कोकोआ बीन्स होती हैं, जब हम इनको नेचुरली लेते हैं तो ये बहुत कड़वी होती है, तो पहले इनकी कड़वाहट दूर करने के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, यीस्ट यूज करते हैं। हमारी जो टमाटर वाली चीजें जो है वो खराब हो जाती हैं, दैट इज ड्यू टू यीस्ट। सिल्क इंडस्ट्री, ये सिल्क वॉर्म के ऊपर अटैक करके उसकी प्रोडक्शन को डिक्रीज कर देती है, ठीक है। और ये जो है हमारे पास टोमेटो, कॉटन और बीन्स के ऊपर भी अटैक करती है। ह्यूमन डिजीजेस में भी ये हमारे काफी, जैसे इन्फ्लेमेशन ऑफ जेनिटेलिया, जेनिटेलिया हमारे होते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, उनकी इन्फेक्शन कॉज कर देती है, ठीक है। देन नर्वस टिश्यू की इन्फेक्शन कॉज कर देती है, स्किन के ऊपर छोटे छोटे नोड्यूल्स बना देती है। लेकिन हमने यीस्ट में दो ही याद करने हैं, दैट इज द, ये तुम्हारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए है, बट अकॉर्डिंग टू कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू और योर जो स्कूल के एग्जाम है उसके अकॉर्डिंगली दो यूजेस याद करो। फंजाई का नाम सेम है, दैट इज सैक्रोमाइसिस सेरेविसई, पहले ब्रूइंग इंडस्ट्री में यूज होएगी, दूसरा वो बेकिंग इंडस्ट्री में। ब्रूइंग इंडस्ट्री में शुगरी सिरप के ऊपर जब वो एक्ट करेगी तो अल्कोहल और CO2 में उसको कन्वर्ट कर देती है। दूसरा वो जब उसमें करेगी, क्या कहते हैं, हमारी बेकिंग इंडस्ट्री में, तो हमारे डो के ऊपर एक्ट करेगी, वो डो को सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनाएगी, CO2 जो है वो रिलीज करेगी। देन बात करते हैं एस्कोमाइसिटीज एस्परजिलस। एस्परजिलस क्या है, इसका जो है एस्परजिलस एक डिजीज कॉज करता है हमारे अंदर, दैट इज एस्परजियोलोसिस। इसको हम वीड ऑफ लैब का नाम देते हैं, ग्रीन कलर का स्मोकी सा मोल्ड होता है,
ठीक है, ग्रीन कलर का मोल्ड है, स्मोकी सा होता है, तो इसको हम वीड ऑफ लैब का नाम देते हैं। क्यों बोलते हैं वीड ऑफ लैब? जैसे तुमने लैब में किसी चीज को ग्रो करने के लिए रखा, ठीक है, तुमने उसमें शुगर का सोर्स डाल दिया, जैसे तुमने बैक्टीरिया को ग्रो करना है पेट्री डिश के अंदर, तो बैक्टीरिया को शुगर का सोर्स भी दोगे, सब कुछ दोगे, क्योंकि तुमने उस बैक्टीरिया के साथ एक्सपेरिमेंट करना था। तो बट जब तुमने देखा कि उसके ऊपर जो सबसे पहले फंगस आके अटैक करेगी अनवांटेड, दैट इज द एस्परजिलस, उसको हम कहते हैं वीड ऑफ लैब। वीड मतलब अनवांटेड प्लांट, ठीक है। ये हमारे फूड स्टफ्स को भी खराब कर देता है, दैट इज डेट्स, हमारी फिग, पोमेग्रेनेट, सिगार्स वगैरह को भी, ठीक है, इन सारी चीजों को हमारी को खराब कर देता है, ठीक है। कई कई बार ये हमारे जो है स्टोर्ड फूड ग्रेन्स के ऊपर अटैक कर देता है। स्टोर्ड फूड ग्रेन्स मतलब जैसे हमने घर में जो भी ग्रेन्स वगैरह स्टोर करके रखते हैं उनके ऊपर अटैक कर देता है। जब ये उनके ऊपर अटैक करता है तो ये एक कार्सिनोजेनिक कंपाउंड रिलीज करता है। कार्सिनोजेनिक का मतलब है कैंसर कॉजिंग, जो कैंसर कॉज कर देता है, जिसका नाम है एफ्लाटॉक्सिन, उसको हम एफ्लाटॉक्सिन का नाम देते हैं। वो एफ्लाटॉक्सिन अगर हमारे अंदर चला जाए तो इट इज कार्सिनोजेनिक, मतलब ये कैंसर कॉज करना शुरू कर देता है। इसीलिए बच्चे कई बार क्या होता है कि घर में कहते हैं कोई बात नहीं, ये तो थोड़ा सा लगा है, धो के इसको बना लेते हैं। तो अगर ऐसी कोई इन्फेक्शन है, हमारे ग्रेन्स खराब हो चुके हैं, तो प्लीज अगर इन्फेस्टेड है किसी चीज से, जहां इन्फेक्टेड है, तो प्लीज उनको ना यूज किया जाए तो ही बेटर है, बिकॉज हेल्थ इज वेल्थ। पता नहीं लगता है ना क्या हो रहा है आजकल। तो देखो ह्यूमंस के अंदर ये पल्मोनरी एस्परजियोलोसिस भी कॉज कर देता है, जिसमें उसको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। फर्मेंटेशन बाय एस्परजिलस यील्ड अल्कोहल, सेक ऑफ जापान के नाम से मिलती है, सिट्रिक एसिड, ग्लिसरॉल, बी कॉम्प्लेक्स। बस तुम इसमें याद रखो, ग्रीन स्मोकी मोल्ड है, वीड ऑफ लैब का बताते हैं इसको, स्टोर्ड फूड ग्रेन्स के ऊपर अटैक करके एक कार्सिनोजेनिक कंपाउंड वो करती है, रिलीज करती है, जिसका नाम है एफ्लाटॉक्सिन, दैट इज कैंसर कॉजिंग। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज पेनिसिलियम, ठीक है। पेनिसिलियम जो है वो क्या करता है, हमें पेनिसिलिन एंटीबायोटिक देता है। तो लास्ट क्लास में मैंने बताया था व्हाट इज एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स आर द केमिकल्स दैट आर रिलीज्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अगेंस्ट सम अदर पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हमारी लाइफ के लिए यूजफुल होते हैं, लेकिन दूसरों माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमारे अंदर डिजीज कॉज करते हैं उनकी लाइफ के लिए ये खतरनाक होते हैं, इसीलिए इनको एंटीबायोटिक का नाम है। तो पेनिसिलियम जो है वो पेनिसिलिन रिलीज करता है। तो सबसे पहले पेनिसिलिन किससे बना था? फ्रॉम पेनिसिलियम नोटेटम से। नोटेटम का मतलब क्या है? नोटेटम क्या है? नाम है उसका, स्पीसीज है। पेनिसिलियम नोटेटम से मिला था। आजकल पेनिसिलियम किससे मिलता है? पेनिसिलियम क्राइसोजीनम से, ठीक है। सेरेंडिपिटी का मतलब होता है एक्सीडेंटल डिस्कवरी, जो एकदम से डिस्कवर हुआ था, तो इसकी एक्सीडेंटल डिस्कवरी थी। पता है तुम्हें इसके डिस्कवरी के बारे में कुछ? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, सुन रहे हो? यस मैम। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है वो एक उसके ऊपर काम कर रहा था, बैक्टीरिया के ऊपर। बैक्टीरिया का नाम था स्टेफाइलोकोकस। तो जब वो काम कर रहे थे तो थोड़े ओल्ड एज थी, तो उन्होंने पेट्री डिश शाम को जब अपनी लैब क्लोज करनी थी तो सारी धोने के लिए रख दी, लेकिन एक पेट्री डिश उनसे गिर गई, तो उन्होंने वो उठाई नहीं। उन्होंने कहा कि कल उठा लूंगा, ठीक है। वो पेट्री डिश उन्होंने उठाई नहीं और वो ऐसे ही पड़ी रही पूरी रात भर। तो देखा कि रात में वहां पे बैक्टीरिया था, वो था क्या कहते हैं, शुगर का सोर्स था उस पेट्री डिश के ऊपर लगा हुआ। तो उन्होंने क्या देखा कि उस पेट्री डिश के ऊपर फंगस ग्रो करनी शुरू हो गई, ठीक है। फंगस कौन सी थी? पेनिसिलियम नोटेटम, ठीक है। ये पेनिसिलियम नोटेटम जो है, उन्होंने देखा कि जहां जहां ये फंगस ग्रो कर रही है, वहां वहां पे स्टेफाइलोकोकस है जो वो ग्रो नहीं कर रहा। तो उन्होंने इससे ये बताया कि जो फंगस है ये वाली, वो एक केमिकल रिलीज कर रही है, दैट इज अगेंस्ट द लाइफ ऑफ स्टेफाइलोकोकस। तो वहीं से इसका नाम पड़ गया एंटीबायोटिक, जिसकी वजह से अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को इसके लिए वो भी मिला था, क्या कहते हैं, नोबेल प्राइज भी मिला था, ठीक है।
तो यहां से पता चला कि बेसिकली कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कुछ केमिकल सिक्रीट करते हैं दैट आर अगेंस्ट द लाइफ ऑफ सम अदर पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. तो आजकल पेंसिलिन मिलती है फ्रॉम क्राइसोजिनम. ठीक है, सेरेंडिपिटी का मतलब होता है जो एक्सीडेंटल डिस्कवरी है. देखो वो काम तो कर रहे थे स्टेफाइलोकोकस के ऊपर, लेकिन वो पेट्री डिश गिर गई तो उसकी वजह से किसकी डिस्कवरी हो गई, एंटीबायोटिक्स की. ठीक है, तो इसीलिए इसको हम सेरेंडिपिटी का नाम देते हैं, एक्सीडेंटल डिस्कवरी जो अचानक ही हो जाती है. ठीक है, देन जो ग्राइसोफल्वम है ये एक ड्रग बनाता है जिसका नाम है ग्राइसोफल्विन. ये एंटी फंगल है, मतलब अगर फंगस को हमने खत्म करना हो तो फंगस ही एक एंटी फंगल वो बनाती है जिसका नाम है ग्राइसोफल्विन. ठीक है, ये हमारे सिट्रस जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं विटामिन सी का कंटेंट जिनमें ज्यादा होता है उनके ऊपर मेनली अटैक करती है. ठीक है, पेनिसिलिन. तो आजकल वैसे पेंसिलिन जो है बहुत उसके लिए यूज होती थी, लेकिन आजकल इसको यूज करते हैं सिर्फ उसके लिए, सिफिलिस के लिए. सिफिलिस एक एसटीडी है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, उसके लिए यूज करते हैं. बिकॉज ये वाली जो है ना एंटीबायोटिक ये बहुत ज्यादा वो कर देती है, क्या कहते हैं, इससे एलर्जिक रिएक्शंस बहुत होते हैं और पर्सन जो है वो एनाफाइलेक्टिक शॉक में चला जाता है. इसीलिए इसका जो यूज है आजकल मिनिमम करते हैं, एक ही डिजीज के लिए करते हैं, दैट इज सिफिलिस. उसके बाद न्यूरोस्पोरा. न्यूरोस्पोरा पिंक कलर का मोल्ड है. ठीक है, मैंने अभी बताया कि इसको एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स में यूज करते हैं, इसीलिए इसको नाम दिया गया है ड्रोसोफिला ऑफ द प्लांट किंगडम, क्योंकि ड्रोसोफिला एक इंसेक्ट है, उसके आई कलर के ऊपर बहुत सारे जेनेटिक्स के एक्सपेरिमेंट्स हुए थे. सिमिलरली अगर फंगस की बात करें तो मैक्सिमम एक्सपेरिमेंट्स इस फंगस के ऊपर हुए हैं, इसीलिए इसको कहते हैं ड्रोसोफिला ऑफ द प्लांट किंगडम. और ये इसका पूरा नाम है न्यूरोस्पोरा क्रासा. पिंक कलर, बहुत ही सुंदर पिंक कलर का मोल्ड है ये. ठीक है, देन उसके बाद हमारे पास आती है एरसिफी. पाउडरी माइल्ड्यू कॉज करती है, नहीं भी याद होएगा ये कोई बात नहीं, ये आज तक एग्जामिनर ने कभी नहीं पूछा. सबसे इंपॉर्टेंट क्लेविसेप्स पुरपुरिया, राई के प्लांट के ऊपर, जो हमारी राई होती है सीसेल सीरियल उसका साइंटिफिक नेम है, उसके ऊपर ये डिजीज कॉज करती है और उसका नाम है एरगट ऑफ राई. एरगट ऑफ राई बोलते हैं हम. जब ये राई के प्लांट के ऊपर अटैक करती है हमें एक ड्रग देती है एलएसडी. एलएसडी इज लाइसर्जिक एसिड डाई इथाइल एमाइड. बेसिकली इट इज अ हेलुसिनोजन. हेलुसिनोजन क्या होती है, जो हेलुसिनेशंस कॉज करती है. हेलुसिनेशंस क्या होती है, जब कोई इंसान इस ड्रग को ले लेता है तो उसका जो रियल लाइफ है, मतलब जो एग्जैक्टली रियलिटी ऑफ लाइफ है, उसके साथ कनेक्शन बिल्कुल खत्म हो जाता है. जैसे अभी तुम अपनी सेंसेस में हो सारे, तुम कहोगे मैडम आपकी शक्ल दिखाई दे रही है, आपकी आवाज सुनाई दे रही है, लेकिन अगर कोई इस ड्रग के अंदर होएगा, जो भी हेलुसिनेशंस होती हैं, हेलुसिनोजन्स होती हैं, तो वो लेने वाला जो है वो कहेगा आपकी आवाज दिखाई दे रही है, आपकी शक्ल सुनाई दे रही है. मतलब जो रियलिटी में चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती वो उसको महसूस करना शुरू कर देता है, रियलिटी के साथ बिल्कुल उसका कनेक्शन टूट जाता है. तो इट इज अ नारकोटिक ड्रग, नाम है एलएसडी, लाइसर्जिक एसिड डाइथाइलेमाइड. कहां से मिलती है, क्लेविसेप्स पुरपुरिया जब राई के ऊपर अटैक करेगा, डिजीज को नाम देंगे एरगट ऑफ राई, तब हमें ये ड्रग मिलती है. और ऐसी अगर राई हम खा लेंगे जिसमें इंफेक्शन होगी तो हमें हो जाता है एरगोटिज्म. ठीक है, एरगट इज यूज्ड एज अ मेडिसिन फॉर माइग्रेन एंड टू कंट्रोल ब्लीडिंग, ब्लीडिंग वगैरह को कंट्रोल करने के लिए, और जो माइग्रेन कई लोगों को हो जाता है धूप में ज्यादा जाने से. ठीक है, तो उसकी उसमें कंट्रोल करने के लिए हम एरगट को यूज करते हैं. फाइन, ठीक है, देन उसके बाद हमारे पास इसमें आता है, तो ये हमारे पास सारे के सारे क्या है, एस्कोमाइसिटीज की एग्जाम्पल्स हैं. ठीक है, तो ये मॉरल्स एंड ट्रफल्स तुम्हें बताया मैंने, एडिबल एस्कोमाइसिटीज है मॉर्शेला एस्क्यूलेंटा. ट्रफल्स जो है नीचे सबटेरेनियन ग्राउंड के हेल्प्स, ग्राउंड के नीचे होंगी और इसको हम डग आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्निफर डॉग्स. ठीक है, एक इसमें कप फंजाई आती है पेजाइजा. ठीक है, क्लियर, तो ये इसकी फंगस की वो है, दिस इज मॉर्शेला. ये काफी महंगी मिलती है मॉर्शेला, अगर तुम इसके बाद क्लास के बाद इसका रेट चेक करना ऑनलाइन, बहुत महंगी मिलती है, बहुत ही ज्यादा, इसीलिए इट इज कंसिडर्ड एज डेलिकेसी. एस्परजिलस दिखाया हुआ है, पेंसिलियम दिखाया हुआ है, पिजाइजा कप फंजाई, कप जैसी शेप है,
देन एस्कोकार्प दिखाया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारी एक क्लास है एस्कोमाइसिटिस। अभी मेरे पास एक मिनट बचा है, फटाफट मैं तुम्हें एक बार इसके नाम दोबारा रिवाइज करा देती हूँ, ठीक है, ताकि तुम्हें याद रहे कौन कौन से मेंबर्स थे। पहला था हमारे पास, इसमें आती है यीस्ट, सैक्रोमाइसिस सेरेविसाई। दो यूजेस याद करोगे, ब्रूइंग इंडस्ट्री एंड बेकिंग इंडस्ट्री। शुगरी सिरप्स के ऊपर एक्ट करेगी, अल्कोहल और CO2 रिलीज करेगी। आटे के ऊपर, फ्लोर के ऊपर एक्ट करेगी तो भी CO2 और अल्कोहल रिलीज करेगी, जिसकी वजह से डो सॉफ्ट एंड पोरस हो जाएगा, ठीक है। देन सेकेंड एस्परजिलस की बात करते हैं। एस्परजिलस, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, 12,000 तक किलोग्राम है मैम। हाँ, इसका रेट जो है इतना ज्यादा है, बहुत।